बागी होए आगुआं तो पंजाब कांग्रेस पहला ही परेशान सी ते हुण इस फहरिस्त विच एक ना होर जुड़ गया है। पंजाब कांग्रेस के सकत्तर अते बुलारे राजेंद्र दीपा ने भी आजाद तौर पर चोण लड़न का ऐलान कर दिता है। दीपा ने सुनाम तो दमन तिंद भाजपा नूं टिकट दिते जाण दा विरोध किया ते हुण खुद भी आजाद तौर पर मैदान विच आ गए ने। पार्टी से सवाल चुकदिया दीपा ने कहा कि दो दिन पहला पार्टी विच आए आगुआं नूं टिकटां दित्तियां गईआं जबकि पुराने आगुआं नूं अखों उले कर दिता गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया, रिव्यू नहीं किया गया, आउटसाइडर नूं टिकट दित्ती गई और ड्रग्स दे जिन्हां ते इल्जाम है उन्हां नूं किवें सहमति प्रगटाई, इन्हां सारिआं दे मुद्दिआं ते मैं अज ही रेजिग्नेशन किया। राजेंद्र दीपा ने कांग्रेस के सकत्तर अते बुलारे के अहुदिआं तों भी अस्तीफा दे दिता है। दीपा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई के उत्ते भी सवाल चुके ने। दीपा ने कहा कि कैप्टन नूं प्रधान बनाना हाईकमान की मजबूरी सी पर यह मजबूरी भविख विच ना रहे, इसे लई सिद्धू नूं उन्हां दे बराबर खड़ा किया जा रहा है। जो हम देखते हैं कि हाई कमांड को बहुत अच्छा तो नहीं लगा था लेकिन एक मजबूरी थी, कैप्टन साहब को बनाया। हो सकता है कि अब हाई कमांड भी कुछ ऐसा हो कि बराबर का लीडर होना चाहिए, एक से ज्यादा लीडर पंजाब में होने चाहिए ताकि बहुत ज्यादा डिक्टेट किसी एक लीडर की ना चले। हो सकता है ऐसा होने पे ही सिद्धू साहब का नाम आया है या और लीडर्स का नाम आ रहा है, हो सकता है। राजेंद्र दीपा ने बेशक आजाद तौर पर चुन लड़न का ऐलान किया है पर भविख विच खुद लई पार्टी के राह खुले रखने लई एना भी कह दिता कि जेकर वह चुन जितते ने ते पार्टी उन्हां नूं वापस बुलाउंदी है तो वह इस ते विचार करनगे।